तो हो नहीं सकता। तो और गुरु दक्षिणा जैसी एकलव्य ने दी वैसी किसी ने भी नहीं दी है आज तक। तो एकलव्य निस्संदेह महाभारत के सबसे रोचक पात्रों में से एक हैं। किंतु दुखद यह है कि उस जैसा योद्धा महाभारत जब युद्ध हुआ तब तक भी जीवित नहीं रहा हो। एकलव्य ने कैसे केवल गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर स्वयं श्रम करके शिक्षा प्राप्त की ये सभी जानते हैं। हम इस बात से भी अवगत हैं कि किस प्रकार उसने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट कर दे दिया था। बस इसके अलावा एकलव्य की कोई विशेष जानकारी हमें मूल महाभारत में नहीं मिलती है, किंतु भागवत पुराण में उसके बाद के जीवन के विषय में कुछ वर्णन है। भागवत पुराण के अनुसार आगे चलकर एकलव्य अपने पिता हिरण्यधन्य की मृत्यु के पश्चात श्रृंगवेरपुर का राजा बना। उसने निषादों को संगठित किया और एक अति शक्तिशाली सेना बनाई। बाद में उसका विवाह सुनीता नामक कन्या से हुआ। अंगूठा कट जाने के बाद भी उसकी धनुर्विद्या अद्भुत थी। उसने अंगूठे के बिना ही केवल तर्जनी और मध्यमा उंगली से, तर्जनी ये है और ये मध्यमा, दो उंगलियों से उसने धनुष चलाने की कला का आविष्कार किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के आधुनिक युग में सभी तीरंदाज भी धनुष चलाने में अंगूठे का नहीं बल्कि उन्हीं दो उंगलियों का प्रयोग करते हैं। तो एक प्रकार से एकलव्य को आधुनिक धनुर्विद्या का जनक माना जा सकता है। एकलव्य अपने राज की सीमा के विस्तार में जुट गया। उसके पिता जो थे वो जरासंध के ध्वज के नीचे शासन करते थे। एकलव्य भी अपने पिता का अनुसरण करते हुए ही जानते हुए भी कि धन जरासंध पापी है, जरासंध का सहयोगी बन गया। जरासंध ने श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में जो मथुरा पर 17 बार आक्रमण किए थे, एकलव्य उन सब में उसके साथ था। अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से उसने मथुरा की सेना का बहुत विनाश किया और अहित किया। जब जरासंध ने मथुरा पर 18वीं बार आक्रमण किया तब एकलव्य उसके साथ था। उस युद्ध में जब श्री कृष्ण ने उसे केवल दो उंगलियों से अद्भुत निपुणता से बाण चलाते देखा तो वो हैरान रह गए। वे समझ गए कि आगे चलकर एकलव्य धर्म स्थापना के मार्ग में बहुत अवरोध पैदा कर सकता है, इसलिए उन्होंने उसके वध का निश्चय किया। उन्होंने एकलव्य को युद्ध के लिए ललकारा और एक भारी शिला से उस पर प्रहार किया। उस प्रहार से वही युद्ध क्षेत्र में ही एकलव्य वीर गति को प्राप्त हो गया। एकलव्य के मरने के बाद उसका पुत्र केतुमान निषादों का राजा बना और उसने युधिष्ठिर की बजाय दुर्योधन को अपनी सेवाएं देना उचित समझा। महाभारत के युद्ध में भी उसने कौरवों की ओर से युद्ध किया और अंततः भीम के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। एक जगह श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। घटोत्कच के हाथों कर्ण की शक्ति व्यर्थ करवाई, कर्ण का निःशस्त्र वध करवाया और स्वयं एकलव्य का वध भी किया मैंने तुम्हारे लिए। तो ये नई जानकारी है एकलव्य के बारे में, क्योंकि उसके आगे की जीवन के विषय में कुछ पता नहीं चलता हमको कभी। तो वो मैं आपके लिए लाई थी। थैंक यू।